हम जा रहे हैं आज विजिट करने के लिए कोलकाता की एक बहुत ही खूबसूरत इंस्टीट्यूट NIT दुर्गापुर। तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्य अकेडमिक ब्लॉग। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं आप लोगों को ऐसे ही बहुत ही सारे इंस्टीट्यूट के बारे में आप लोगों को पूरा जानकारी देता जाऊँगा। और आप लोग अभी देख सकते हो कि मैं अभी NIT दुर्गापुर के गेट के पास ही खड़ा हूँ। मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ और यहाँ पर आप लोगों को कुछ डिटेल्स दिया गया है कैसे पहुँचना होगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अभी देख सकते हो कि मैं गेट से अभी अंदर आ गया हूँ और आने के बाद ही आपको राइट साइड में एक बिल्डिंग देखेगा जो कि एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। और जितना मुझे पता है ये एक ऑडिटोरियम बिल्डिंग बनाया गया है, नया बिल्डिंग, और उसका कैपेसिटी 1500 के आसपास है। और उससे थोड़े दूर आने के बाद ही आपको और एक बिल्डिंग देखेगा जो कि इन लोगों का ये मेन एकेडमिक बिल्डिंग है। और यहाँ पर ही इन लोगों का ज़्यादातर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट, ये सब है। और आप लोग देख सकते हो कि बिल्डिंग के सामने ही इन लोगों का एक पार्किंग एरिया है जहाँ पर जो भी इन लोगों का स्टाफ है और जो भी प्रोफेसर्स वगैरह है वो लोग यहाँ पर गाड़ी और उन लोगों का कार पार्क करते हैं। तो हम अंदर भी जाएंगे, अंदर जाके आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत दिखता है और चारों तरफ बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा हुआ है। और अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं अंदर आ गया हूँ और फर्स्ट फ्लोर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ नीचे का जो व्यू है वो कैसा दिखता है। और मैं आप लोगों का अभी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन लोगों का अंदर का जो एरिया है वो दिखाऊंगा, क्लासरूम वगैरह कैसा है और मतलब प्रोफेसर्स का रूम वगैरह कैसा है। तो आप लोग देखते रहिए। अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं अभी अंदर आ गया हूँ और इन लोगों का जो क्लासरूम वगैरह है और जो इन लोगों का लैब्स है ये सब दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और मैं एक दो डिपार्टमेंट के अंदर जाके भी आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का एरिया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आप देख सकते हो। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर अगर जाऊंगा तो अंदर जाके दिखेगा कि यहाँ पर ऐसे इन लोगों का लेफ्ट साइड में सभी प्रोफेसर्स का केबिन है और प्रोफेसर्स का नेम प्लेट भी बाहर लिखा हुआ है, लगा हुआ है। और उसके सामने ही इन लोगों का कुछ लैब है, मतलब कुछ MTech का लैब या रिसर्च लैब, ऐसा बहुत सारे लैब हैं वहाँ पर। और अभी मैं वहाँ से नीचे आ गया हूँ, नीचे आके आप लोगों को फिजिक्स डिपार्टमेंट का भी थोड़ा बहुत दिखाया। और यही था इन लोगों का मेन एकेडमिक बिल्डिंग। और इस बिल्डिंग से बाहर आने के बाद आप लोगों को लेफ्ट साइड में और एक रोड दिखेगा, मतलब एक रास्ता दिखेगा जहाँ से आप लोग आगे बढ़ सकते हो या आगे की तरफ जा सकते हो। और यहाँ पर राइट साइड में एक पार्किंग स्लॉट है और लेफ्ट साइड में आपको एक बैंक दिखेगा, SBI बैंक। और इन लोगों का यहाँ पर SBI का ATM भी है। और उससे थोड़ी दूर आने के बाद आपको और बहुत सारे बिल्डिंग दिखेगा। एक बिल्डिंग तो इन लोगों का ये सेंट्रल लाइब्रेरी है। सेंट्रल लाइब्रेरी इन लोगों का जितना मुझे मालूम है कि इन लोगों का बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी है और 1,05,000 के आसपास इन लोगों का बुक्स कैपेसिटी है अंदर। और वहाँ से थोड़ी दूर आने के बाद ही आपको लेफ्ट साइड में और एक बिल्डिंग दिखेगा जो है इन लोगों का न्यू एकेडमिक बिल्डिंग, जहाँ पर इन लोगों का कुछ लेक्चर हॉल एंड क्लासरूम वगैरह है। और वहाँ पर आपको उसके ठीक सामने आपको एक पॉइंट दिखेगा जो मतलब टर्निंग जैसा है, वहाँ से राइट टर्न लेने के बाद आप लोगों को इन लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है वो दिखेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग दिखेगा। और हम अभी उस रास्ते से होके बाहर निकल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में ये जो बिल्डिंग है इन लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और राइट साइड में और एक बिल्डिंग है जिसको मतलब इन लोगों का व्हाइट हाउस कहा जाता है, मतलब व्हाइट हाउस बिल्डिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इन लोगों का कैंपस का पूरा मैप दिया गया है लेफ्ट साइड में, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट है, सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। और यही था आज का ब्लॉग। और मेरी तरफ से जितना हो सकता था मैंने आप लोगों को NIT का पूरा एरिया दिखाया। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि फॉर्मरली इस इंस्टीट्यूट को रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज भी कहा गया था, कहा जाता था। और मैं इसका और एक ब्लॉग बनाऊंगा जहाँ पर आपका पूरा हॉस्टल या बाकी सब भी दिखाऊंगा। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।